तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानर बालक। तुम यहाँ से और कहीं तो क्या, प्रेतलोक से बाहर भी नहीं जा पाओगे तुम। किंतु हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, तुम्हें अकाल मृत्यु देकर। अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु। हनुमान, न जाने इतने बड़े प्रेतलोक में कहां होगा हनुमान पुत्र। हनुमान, 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 हनुमान। प्रेतराज, मेरा मार्ग क्यों रोका आपने? मुझे हनुमान से मिलना है। हनुमान अवैध रूप से आया है प्रेतलोक में, उससे आप नहीं मिल सकते। मेरा हनुमान मुझसे यहाँ तक मिलने के लिए आया है, मुझे आप उससे मिलने से नहीं रोक सकते। रुक जाओ। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप सब मेरे पिताश्री से मुझे मिलने दीजिए। मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। प्रेतराज, मुझे इस स्तंभन से मुक्त कीजिए, मुझे इस स्तंभन से मुक्त करो। आप मुक्त तो हो चुके हैं सभी मोह माया के बंधन से, फिर भी यदि आपको अपने पुत्र के प्रति अधिक प्रेम उमड़ रहा है तो आप उससे दूर रहे तो भलाई है। नहीं प्रेतराज, वो मुझसे मिलने यहाँ तक आया और मैं। केसरी, आपके पुत्र ने बलपूर्वक प्रेतलोक में प्रवेश कर लिया है। उसे कदाचित ज्ञात नहीं है कि प्रेतलोक में कोई जीवित प्राणी यदि प्रवेश करता है तो एक समय सीमा के पश्चात उसका जीवन अभिशप्त हो जाता है, आयु क्षीण हो जाती है, अकाल मृत्यु का भय होता है। यही नहीं, उसे प्रेत योनि में भी जाना पड़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा प्रेतराज। ठीक है, अब आप उसे देख तो सकते हैं, किंतु यदि आप उसके निकट गए या वो आपके निकट आया तो स्मरण रखिए, आप उससे कोई भी बात नहीं करेंगे। यदि आपने उससे बात की तो उसे अभिशप्त होने से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं, मैं हनुमान को अभिशप्त नहीं होने दूंगा। मेरा परिवार पहले से ही संकटों से जूझ रहा है, अब हनुमान पर कोई और संकट नहीं आने दूंगा। प्रतीत होता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। इनका व्यवहार तो बहुत ही विचित्र है, ऐसे कैसे सामना कर पाऊंगा मैं इनका। ये तो अदृश्य हो गए। ये क्या, ये कैसी माया है? कहीं से प्रहार, कहीं से आघात लगे। विचित्र है हम प्रेतों की माया, दिखता कुछ है और होता कुछ और है। कोई भी बच नहीं पाता हम प्रेतों के वार से बानर बालक, कोई भी नहीं। ये तो हनुमान पर विपरीत वार कर रहे हैं और मैं देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ मेरा पुत्र संकट में है और वहाँ मेरा परिवार,
हनुमान मेरी आत्मा को यहाँ से मुक्त करा भी ले, किंतु मेरी देह को उन राक्षसों से कैसे बचा पाएगा? परलोक में पुत्र केसरी की आत्मा मोक्ष के लिए तड़प रही होगी। मैं उसे और कष्ट नहीं दे सकता। हनुमान अपनी माँ को स्वर्गलोक से वापस ले आया था स्वामी। हो सकता है अंजना के विश्वास की जीत हो जाए, केसरी जी को पुनः जीवन मिल जाए। इस प्रकार हट करके मृत देह के प्रति पाप कर रहे हैं आप सब। मेरे लिए भी तो पुत्र समान ही थे केसरी जी। किंतु अंजना उनकी पत्नी है, उसकी इच्छा के विरुद्ध अंतिम संस्कार कैसे हो सकता है केसरी जी का? अब कैसे समझाऊं मैं आप सबको कि हनुमान काल के निर्णय को परिवर्तित नहीं कर सकता है। महाकाल नहीं है और न ही कालेश्वर है वो। हनुमान मेरा पुत्र है, मेरे विश्वास का सुदृढ़ आधार है वो। वो अपने सामर्थ्य से भी अधिक करेगा अपने पिताश्री के जीवन को वापस लाने के, वापस लाने के, वापस लाने के, वापस लाने के, वापस लाने के। कुछ तो विचित्र है इन प्रेतों के प्रहारों में। कहीं से प्रहार करते हैं, कहीं और से आघात लगती है। इन प्रेतों की रणनीति समझ में आ रही है। सामने जो दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब है का, जो पीछे से वार कर रहा है। बहुत अच्छे हनुमान, प्रेतों की माया समझ गए हो तुम। अब आप सबकी कोई माया नहीं चलेगी प्रेतों। हनुमान ने दंड से भी कोई सीख नहीं ली, ये तो प्रेत लोक के भी नियम तोड़ने जा रहा है। नियम है तो यम है। नियम के नियम कठोर है पुत्री, उन्हें परिवर्तित करना असंभव है। हनुमान कुछ नहीं कर पाएगा। किंतु हनुमान को तो लौट आने दीजिए पिताश्री। वैसे भी अंतिम क्रिया पुत्र के हाथों ही कराई जाती है। ऋक्षराज जी, सुग्रीव अब चिता सज्जित करवाइए। ये माँ और पुत्री तो केसरी के मृत्यु से विक्षिप्त हो चुकी है। लेकिन मेरा भी यह कर्तव्य है कि इन्हें अधर्म और पाप से बचाऊं। मैं पिता हूं उसका, शत्रु नहीं हूं अपनी पुत्री के कुल का। जाइए। रुकिए रुकिए, कृपया रुकिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते सुग्रीव भैया। आप मित्र हनुमान के हितेशी हैं। हाँ, और आपको तो ज्ञात ही होगा कि मित्र हनुमान ने कितनी बड़ी से बड़ी समस्या का हल किया है। उसे लौट आने दीजिए।
तुम मुझे ज्ञान मत दो, मैं तुम्हारी बात मानूं या मेरे बड़ों की आज्ञा का पालन करूं। तुम बालक हो, बड़ों के कार्य में हस्तक्षेप मत करो। पिताश्री, क्या हो गया? आपने तो मेरी हर इच्छा पूर्ण की है। आप मेरे ही पिताश्री हैं ना? अपने ही पिता पर शंका कर रही हो तुम? माँ होकर अपने ही पुत्र को संकट में डाल दिया तुमने उसे यमलोक भेजकर। मुझे विश्वास हो गया है कि इस दुख ने तुम्हें पूर्णता विक्षिप्त कर दिया है। लोग को बहुत क्षति पहुंचाई है। जिस प्रकार तुम्हारी करनी का दंड भुगत रहे हैं तुम्हारे पिता, उसी प्रकार इसका भी सारा दंड भुगतना होगा उन्हें। नहीं, मेरे कारण और दंड नहीं पिताश्री को। हाँ पुत्र, अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर। प्रेतराज, मेरा दंड पिताश्री को क्यों? मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे दीजिए। किंतु मैं यदि यहाँ से जाऊँगा तो अपने पिताश्री को लेकर। प्रेत लोक में कोई किसी का संबंधी नहीं होता बालक। महाराज केसरी भी अब तुम्हारे पिता नहीं है, वो अब एकमात्र आत्मा है, उन प्रेत आत्माओं की भांति जिन्हें काल देव के आदेश पर प्रेत लोक लाया जाता है। किंतु मेरे पिताश्री को यहाँ अन्याय पूर्वक लाया गया है, और ये अन्याय का विरोध हनुमान सदैव करेगा और अपने पिताश्री को भी यहाँ से ले जाएगा। बालक छोड़ दो बालक, प्रेतराज के रहते ये असंभव है, और असंभव है प्रेतराज का सामना करना। ऐसा मत कहिए प्रेतराज जी, मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ, मेरे पिताश्री को मुक्त कर दीजिए। बस मेरी अंतिम चेतावनी सुन लो, यदि तुम अब भी यहाँ से लौट कर नहीं गए तो फिर कभी नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें स्तंभित कर दूंगा, फिर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी देह सदैव के लिए यही रह जाएगी। प्रेतराज जी, मेरी माँ के अश्रु, मेरे पिताश्री का ये कष्ट मेरी मृत्यु से भी अधिक दुखदायक है। मैं कुछ भी सहन करने के लिए प्रस्तुत हूँ। बालक, यदि तुम्हारी यही हट है तो भुगतो प्रेतराज का कोप। नहीं, कैसे विडंबना है ये, पुत्र यहाँ प्रताड़ित हो रहा है, पत्नी को वहां दुख दिए जा रहे हैं, और मैं यहाँ मात्र मूक दर्शक बने हुए देखने को विवश हूँ।
यक्षराज जी, केसरी जी की देह को द्रोणी से बाहर निकालिए। ये तो मान ही नहीं रहे हैं। यदि हनुमान शीघ्र नहीं आया तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। नहीं, ये महाराज गुंजर नहीं हो सकते। मेरा हृदय जानता है स्वामी को, वे कभी भी अंजना की कोई बात नहीं टालते। मेरे हनुमान के आने के पूर्व मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। रुक जाइए। अब तुम्हारे पिता तो क्या, तुम्हारी मुक्ति भी असंभव है इस प्रेत लोक से। ये सब तुम्हारे बालहट का परिणाम है, मेरे इस दिव्य पाश में बंधे बंधे अब तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। नहीं, तुम्हारे पिता को 11 दिवस के लिए प्रेत लोक भेजा गया है। 2 दिवस व्यतीत हो चुके हैं। 2 दिवस पश्चात केसरी कहाँ चले जाएंगे कुछ नहीं पता। उन्हें कौन सी योनि प्राप्त होगी या उनकी आत्मा भटकती रहेगी, ये कोई नहीं जानता। तो नहीं होने दूंगा मैं। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हनुमान। पिता की पीड़ा हरना तो दूर, माता के अश्रु भी नहीं पोंछ पाओगे। तुम्हारी माता रोती तड़पती रहेंगी तुम्हारी प्रतीक्षा में। नहीं, अंजना, मैं धन्य हो गया तुम्हारे जैसी पत्नी और हनुमान जैसा पुत्र पाकर, जो मेरे पुनर्जीवन के लिए प्राण प्राण से लगे हुए हैं। प्रेतों को तो सदैव भय रहता है अग्नि से, और प्रेत राज ने हनुमान की क्रोधाग्नि भड़का दी। अमर्ष की अग्नि दहक उठी है हनुमान की देह में। प्रेत लोग के लिए ये अशुभ संकेत है। ये क्या हो रहा है? ये कैसी विकराल अग्नि प्रकट हो रही है हनुमान की देह से?
मेरा दिव्यास्त्र भी टूट गया, ये विराट रूप हनुमान का कहीं जलाकर पूरे प्रेतलोक को भस्म ना कर दे। सभी देवों को जिन्होंने हनुमान को ऐसी दिव्य शक्तियां दी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि हनुमान पर यहां कोई विपत्ति नहीं आ सकती। किंतु पृथ्वी लोक में अंजना कैसे उन तीनों राक्षसों का सामना कर पाएगी? मुझे अबला नारी समझने की भूल मत करना। सावित्री ने भी यमराज को विवश कर दिया था उसके पति के प्राण वापस करने के लिए। मैं भी उसी भूमि की पुत्री हूं। अपने पति की देह की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, भले ही मेरे प्राण चले जाए। किंतु हनुमान के लौटने से पूर्व मेरे स्वामी की देह को कोई स्पर्श नहीं करेगा। मेरा हनुमान अपने पिता के प्राण वापस लेकर लौटेगा। और ना ही आपका ये प्रेत लोग। नहीं, नहीं हनुमान, ऐसा मत करो। नहीं, रुक जाओ। जिस प्रकार से अग्नि हनुमान के शरीर से प्रज्वलित हो रही है, इससे तो संपूर्ण प्रेतलोक ही भस्म हो जाएगा। प्रेतराज, कुछ कीजिए, बचाइए प्रेतलोक को। नहीं हनुमान, रुक जाइए हनुमान, हम आपकी शरण में हैं। हनुमान शरण गई की रक्षा कीजिए। हनुमान, हम आपको अपना ईश्वर मानते हैं। आपके इस प्रेतेश्वर रूप को हमारा शत शत नमन है। प्रेतेश्वर हनुमान को हम सभी प्रेतों का नमन। मैं आपको आपके पिता से मिला दूंगा। अपने इस दृष्टता के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए हनुमान, हम सभी क्षमा कर दीजिए। दस भुज धारी भय हनुमंता, प्रेतेश्वर अति विकट प्रचंडा। सकल प्रेत बजरंगी शरणा, करे प्रार्थना कह कर चरणा। कहीं किसी का हित ना हो, मारुति में विश्वास जो होवे। प्रेत राज दे वचन बद्धता, हनुमत भगत न होगी बाधा। गाथा बाहुबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 बाहुबली हनुमान।
त्रितेश्वर हनुमान की जय। त्रितेश्वर हनुमान की जय। हनुमान ने तो प्रेतों पर विजय पा ही ली, उधर अंजना भी विपत्ति के समक्ष अड़े खड़ी हुई है। अंजना मत करो ये मूर्खता, फेंक दो ये गदा। तुम जो ये करने जा रही हो वो उचित नहीं है, और तुम जो करने जा रहे हो वो उचित है क्या? वास्तविक कुंजन और सुग्रीव यहां? विश्वास सत्य निकला, असुर है ये। तुम मेरा रूप बदलकर मेरी पुत्री से छल करने आए हो? अंजना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमारा छद्म रूप लेकर आए थे। प्रेतराज जी, मुझे अपने पिताश्री से शीघ्र मिलवा दीजिए। नियमों को तोड़ना मेरे वश में भी नहीं है। मैं या कोई अन्य प्रेत भले ही आपकी बाधा ना बने, फिर भी आप अपने पिता की आत्मा को यहाँ से नहीं ले जा सकते। नहीं, मेरे पिताश्री मेरे साथ ही चलेंगे, है ना पिताश्री?
अब यहाँ कोई बाधा नहीं, चलिए आप मेरे साथ। आप इस प्रकार क्यों देख रहे हैं मुझे? कौन हो तुम? पिताश्री, मैं आपका पुत्र हनुमान हूँ। कौन हनुमान? मेरा कोई पुत्र नहीं है, ना ही मैं किसी का पिता हूँ। पिताश्री, आप अपने हनुमान को कैसे भूल सकते हैं? मां आपके बिछुओं में रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। पिताश्री, आपका हनुमान भी आपके बिना जीवित नहीं रह पाएगा। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए ना पिताश्री। आत्मा का कोई पुत्र नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती। मैं मात्र एक आत्मा हूँ, प्रेत लोक की एक आत्मा। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं होता। अवश्य पूर्ण होगा। अंजना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। दुष्ट। अच्छा हुआ हम समय रहते यहां पहुंच गए। पुत्री अंजना। पिताश्री, तुम ठीक तो हो ना? स्वामी, एक क्षण के लिए भी विलंब हो जाता तो न जाने ये राक्षस क्या अनर्थ कर बैठते। पिताश्री, हनुमान काल लोक गया है मेरे स्वामी के प्राण वापस लाने के लिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने पिता को जीवन दान अवश्य दिलाएगा। नहीं ऐसा मत कहिए पिताश्री, आप सुमेरु के राजा हैं। मैं आपका पुत्र हनुमान हूँ, आपका केसरी नंदन हनुमान। पहचानिए मुझे पिताश्री। उसे देख तो सकते हैं, किंतु यदि आप उसके निकट गए या वो आपके निकट आया तो स्मरण रखिए, आप उससे कोई भी बात नहीं करेंगे। यदि आपने उससे बात की तो उसे अभिशप्त होने से कोई नहीं बचा पाएगा। पुत्र, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मैं तुम्हें ना पहचानूं। प्रेतराज के कथानुसार यदि मैंने तुमसे पिता की भांति कोई बात की
तो तुम अभिशप्त हो जाओगे हनुमान। मैं तुम्हें संकट में नहीं डाल सकता। उचित यही है कि मैं तुम्हारे साथ अपरिचित की भांति व्यवहार करूं, जिससे तुम मेरा मोह छोड़ दो। धिक्कार है तुम राक्षसों की वीरता पर, जो उन तुच्छ वानरों से परास्त होकर आए हो। हम तो सफल होने ही वाले थे काकाश्री, यदि अंत समय में गुंजर वृक्षराज आदि ना आ जाते। हम तो उन्हें अपनी माया से छलने गए थे। युद्ध के लिए हम सज्जित होकर नहीं गए थे। तो अब हम युद्ध के लिए सज्जित होकर जाएंगे, छल से नहीं तो पल से ही सही। किंतु उस केसरी का अंतिम संस्कार अवश्य होगा। उसने मेरे भाई का हाथ उखाड़ा था। वास्कासुर, मेरे भाई और तुम्हारे पिता की मृत्यु के लिए केसरी और उसका पुत्र हनुमान दोनों ही उत्तरदायी हैं। प्रतिशोध लेंगे हम, प्रतिशोध। केसरी की देह को भस्म कर देंगे हम। हनुमान कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। कल का सूर्योदय केसरी के परिवार के जीवन के सूर्यास्त का संदेश लेकर आएगा। वास्कासुर, सेना सज्जित करो। कल प्रातःकाल ही हम आक्रमण करेंगे उन पर। पिताश्री, देखिए हनुमान के अश्रु को, इनमें मेरी माँ की पीड़ा भी दिखाई देगी। बस एक बार मुझे पुत्र कहकर पुकारिए पिताश्री, एक बार। प्रेतराज जी, क्या हुआ मेरे पिताश्री को? कुछ कहिए ना, मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? आप कुछ कीजिए ना प्रेतराज जी। रुक जाइए पिताश्री, आप हनुमान को इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। कौन हनुमान? किसका पिताश्री? रुक जाइए पिताश्री, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं पिताश्री? मैं विवश हूँ पुत्र। पिताश्री निष्ठुर नहीं हो सकते। बताइए ना, क्या विवशता है इनकी? इनकी विवशता ये है कि प्रेत लोक में आकर सभी को अपने संबंधों को भुलाना पड़ता है, अन्यथा उनके संबंधी संकट में पड़ सकते हैं। शीघ्र लौट जाओ यहाँ से पुत्र, अन्यथा तुम्हारे साथ भी अनर्थ हो सकता है। हमारे परिवार की भलाई के लिए तुम्हें वापस जाना ही होगा हनुमान। पिताश्री रुक जाइए, पिताश्री। प्रेतराज जी, पिताश्री वापस क्यों जा रहे हैं? इन्हें प्रेतलोक से मुक्त कर दीजिए। हनुमान, मेरी ओर से आपके पिता मुक्त हो चुके हैं। आपके पिता की मुक्ति कालदेव की इच्छा पर निर्भर करती है। प्रेतराज ऐसा कैसे कर सकते हैं? कालदेव को मेरे पिताश्री को मुक्त करना ही होगा। मैं पुनः जाकर उन्हें मनाऊंगा। जो भी करना है शीघ्र करें हनुमान। 11 दिवस के पश्चात आपके पिता की आत्मा यहाँ से चली जाएगी, फिर आप उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। प्रेतराज जी,
मैंने मेरी माँ को वचन दिया है और उनके वचन की पूर्ति के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। मैं पिताश्री को वापस लेकर ही जाऊँगा। प्रणाम प्रेतराज जी। प्रणाम हनुमान। तुम्हारे पिता अब जीवित नहीं हो सकते, इसे तुम तुम्हारा भाग्य समझकर स्वीकार कर लो और लौट जाओ। ऐसा मत कहिए कालदेव। हनुमान की विनती, तुम्हारी विनती, प्रार्थना या किसी तर्क का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि काल समस्त भावनाओं से परे है। काल के सिंहासन विचार भू और ये लाल ध्वज की मर्यादा इसीलिए स्थिर है क्योंकि काल अपने नियमों का पालन कठोरता से करता है। नियम है तो यम है। उचित है कालदेव, मैं यहाँ से लौट जाऊंगा। मैं आपसे कोई तर्क नहीं करूंगा। मैं आपसे कोई युद्ध भी नहीं करना चाहता। लौट जाऊंगा मैं, किंतु आपसे मुझे मृत्यु से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तुम होते कौन हो मुझसे प्रश्न पूछने वाले? कालदेव, मैं वो हूँ जिसके पिता को आपने असमय ही मृत्यु दे दी। वो पुत्र कालदेव के कुछ नियम जानना चाहता है। बस मैं कुछ ही प्रश्न पूछूंगा, फिर लौट जाऊंगा। हनुमान, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ मैं। क्यों कालदेव, आप भयभीत हो रहे हैं? एक बालक के प्रश्नों का उत्तर देने से पीछे हट रहे हैं आप। एक छोटी सी चुनौती का सामना नहीं कर पा रहे हैं आप। काल को भय नहीं लगता, सब भयभीत होते हैं काल से। भय भी भयभीत हो जाता है काल से। मैं दूंगा तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर, किंतु स्मरण रहे हनुमान, प्रश्नों के उत्तर पाकर तुम्हें लौट जाना होगा। मेरे प्रश्नों के उचित उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात मैं यहाँ से लौट जाऊंगा। वैसे भी तुम अधिक समय तक नहीं रुक पाओगे, क्योंकि पृथ्वी लोक पर तुम्हारे पिता की देह भी अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगी। तो हमारी सेना सज्जित हो गई। सेना तो सज्जित हो गई है काकाश्री, किंतु हमें ध्यान रखना होगा। वो वानर कुंजर ऋक्षराज बड़े योद्धा हैं, और ऋक्षराज का पुत्र सुग्रीव युद्ध कला में सबसे अधिक निपुण है। तो सबसे पहले हम उन्हीं को नियंत्रण में करेंगे, तभी हम केसरी की देह को वहाँ से ले जा सकेंगे। ऐसा ही होगा काकाश्री। हम अपने छल बल और माया से उन्हें उलझाएंगे, फिर वे वानर हमें रोक नहीं पाएंगे। तो चलो भास्कर, प्रतिशोध की अग्नि में केसरी की देह को भस्म कर देंगे। हम प्रतिशोध लेंगे। ये ध्वनि सुन रहे हैं आप? राक्षस प्रतीत होते हैं। सैनिकों सावधान हो जाओ, तुम सब राक्षस इस ओर ही आ रहे हैं। ये वही राक्षस हैं
जो यहाँ से भाग कर गए थे। महारानी अंजना और आप सब केसरी जी के निकट ही रहिएगा, वो केसरी जी की देह को नष्ट करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे महाराज, हनुमान के मित्र हैं हम। हम उन राक्षसों का डट कर सामना करेंगे। हाँ चलो। हाँ चलो, हम भी युद्ध करेंगे राक्षसों से। चलो, चलो। उधर हनुमान कालदेव के समक्ष अडिग खड़ा है और उधर मेरा परिवार एवं प्रजा मेरी देह को बचाने के लिए प्राण प्रण से लगे हुए हैं। सब मुझे बचाने के लिए किसी भी प्रकार का संकट लेने को तैयार है। केसरी जी, आप बड़े भाग्यवान हैं जो आपको ऐसा पुत्र, ऐसा परिवार एवं ऐसी प्रजा मिली है। जब एक बड़ा समूह किसी अच्छे कार्य के लिए एकजुट होकर प्रयास करती है तो प्रकृति भी उसके अनुकूल हो जाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान आपको यहाँ से मुक्त करा लेंगे, कालदेव को बना लेंगे वो। हनुमान, शीघ्र पूछो क्या पूछना चाहते हो, मेरे पास अधिक समय नहीं है तुम्हारे लिए। समय तो मेरे पास भी नहीं है कालदेव, किंतु आपसे पूछने के लिए प्रश्न मैंने अवश्य सोच लिए हैं। कालदेव, मेरा प्रथम प्रश्न ये है कि आत्मा क्या होती है। आत्मा परम ब्रह्म, परमात्मा का अंश होता है। जब ये देह में होता है तब ये कर्मों के अनुसार सुख दुख का अनुभव करता है। देह से मुक्त होते ही ये समस्त कामनाओं एवं लोभ मोह आदि विकारों से परे हो जाता है और मोक्ष की स्थिति में यह पुनः परमात्मा से मिल जाता है। इसका कोई रूप कोई आकार नहीं होता, ये सनातन है, अविनाशी है। ये परम ब्रह्म परमात्मा की वो ऊर्जा है जिससे जीवन संभव है। कालदेव, मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ चली जाती है, उनका वास कहाँ होता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा का वास उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। सत्कर्म और सदाचरण करने वाले मनुष्य की आत्मा उच्च लोकों में वास करती है। जैसे यम के लोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनका वास शिवलोक, भगवान नारायण का गौलोक श्रीलोक, ब्रह्मलोक आदि में होता है। और यदि उनका पुनर्जन्म होता है तो उन्हें उच्च योनि जैसे राजा का घर आदि प्राप्त होता है। दुष्कर्म और दुराचरण करने वाले मनुष्य की आत्मा निम्न लोकों में भटकती है, जैसे यम लोक में नर्क की प्राप्ति होती है, जहां उन्हें अपने दुष्कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। उन्हें भूत लोक, प्रेत लोक, पिशाच लोक और कभी कभी जिन्हें किसी अन्य लोक की प्राप्ति नहीं हो पाती है उन्हें पृथ्वी लोक में ही भटकना पड़ता है। उनका पुनर्जन्म भी निम्न योनि में होता है। एक आत्मा का दूसरी आत्मा से क्या संबंध होता है। समस्त आत्माएं उस एक ब्रह्म की अक्षय ऊर्जा का अंश होने के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, किंतु अपने कर्मों के अनुसार उनका एक दूसरे से संबंध निर्धारित होता है। आत्मा और आत्मा के संबंध में ना कोई बड़ा छोटा होता है, ना कोई दुर्बल और शक्तिशाली। पुण्यात्मा का संबंध पुण्यात्मा से जुड़ता है और पापात्मा पापात्मा को प्रिय होती है। समस्त आत्माओं का एक ही लक्ष्य होता है, अपनी अपनी कर्म गति पूर्ण करके अंततः उस परम ब्रह्म परमात्मा में मिल जाना। किसी भी जीवधारी का जन्म और मृत्यु का निर्धारण कैसे होता है। किसी भी जीवधारी के जन्म और मृत्यु का निर्धारण स्वयं ब्रह्मदेव के विधान के अनुसार होता है। किंतु किस क्षण जीवधारी की मृत्यु होनी है, इसका निर्धारण कैसे होता है। श्वासों की अवधि के निर्धारण से। कालदेव, श्वासों की गणना कौन करता है। कालदेव, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।
श्वासों की गणना करने का कार्य किनका है? प्रत्येक जीवधारी की श्वासों की गणना करने का कार्य त्रिदेव ने शनि देव के अधीन किया है। तो क्या कालदेव, आपने मेरे पिताश्री को मृत्यु देते पूर्ण शनि देव से तो पूछा ही होगा मेरे पिता के शेष श्वासों के बारे में, कि उनकी श्वासें पूर्ण हो गई हैं या शेष है। अनुमान, तुम इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं कर सकते हो मुझसे। मेरे पिताश्री की मृत्यु से जुड़ा हुआ है ये प्रश्न। एक पुत्र को इसका उत्तर जाने का अधिकार है। बताइए ना कालदेव, क्या आपने पूछा था शनि देव से मेरे पिताश्री की शेष श्वासों के बारे में? नहीं पूछा मैंने शनि देव से, क्योंकि मुझे उनसे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं थी। आक्रमण! आक्रमण! जितने भी आगे बढ़ने की हिम्मत की उसको अत्यंत है। और केसरी पर उठने वाले सारे हाथ तोड़ दूंगा मैं। हाथ तोड़ोगे तुम? यही भूल की थी केसरी ने, मेरे पिता का हाथ उखाड़ दिया, वही प्रतिशोध लेने में आया हूँ। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। अच्छा, तो तुम ही हो वाशकासुर? हाँ, वानर राज कुंजर, राक्षसों के परम शत्रु हनुमान और उसके पिता से प्रतिशोध लेने का इतना अच्छा अवसर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? उसके पिता को समाप्त करके पुत्र तो स्वयं ही टूट जाएगा और इस पुत्र को हम समाप्त कर देंगे। अच्छा, चुपके से आ रहे हैं महाराज की ओर मित्रों। राक्षसों, मेरा सामना करो। भले ही मैं अभी राक्षसी नहीं, किंतु शक्ति अब भी है मुझ में। मैं भी आती हूँ मार्जरिका। अंजना रुक जाओ, हमें केसरी जी की भी रक्षा करनी होगी। और दूर से मित्रों, अब लगता है माया का प्रयोग करना पड़ेगा मुझे। केसरी की देह मेरे अधिकार में। हनुमान, अब पूरा होगा मेरे भ्राता के वध का प्रतिशोध। बड़ा ही अनर्थ हो रहा है, इधर हनुमान कालदेव को मनाता रह जाएगा और उधर यदि ये राक्षस मेरी देह को नष्ट करने में सफल हो गए तो हनुमान मुझे मुक्त कराने के पश्चात भी असफल रह जाएगा।
उसका सारा का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान, किसे अकाल मृत्यु देनी है और किसे नहीं, इसका विशेष अधिकार मेरे अधीन है। शनिदेव हो या त्रिदेव, मुझे किसी से कुछ पूछने की या किसी से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अकाल मृत्यु अर्थात असमय मृत्यु, किंतु अकाल मृत्यु कालदेव किसी को भी नहीं दी जा सकती, इसका भी तो कोई आधार होगा। पितृ दोष के कारण होती है अकाल मृत्यु, प्राणी के दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप भी बनता है अकाल मृत्यु का योग। तो आप ये बताइए, क्या मेरे पिताश्री के भाग्य में ऐसा कोई योग बन गया था? अच्छा, तो तुम मुझे प्रश्नों में उलझा कर मेरे कार्य को अनुचित सिद्ध करना चाहते हो? गुंजर, मैंने कहा था ना, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, मेरा कार्य हो गया, चलो मेरे शूरवीरों। सोच क्या रहे हैं कालदेव, बताइए, क्या मेरे पिताश्री के भाग्य में अकाल मृत्यु का कोई योग बन गया था? कदाचित आपके पास इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, मैं शनि देव से ही पूछ लेता हूँ, वे न्याय के देवता हैं। कर्मों के आधार पर न्याय देना एवं दंड देना उनका ही कार्य है। हनुमत करते प्रश्न निरंतर, काल देव हो गए निरुत्तर। आंजनेय सत इच्छा पावन, हरे भाव से शनि आवा। हे न्याय के देवता शनि देव, हनुमान को आपकी सहायता की आवश्यकता है, कृपया दर्शन दे, दर्शन दे शनि देव, दर्शन दे शनि देव, दर्शन दे, दर्शन दे। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। आप मुझे ये बताइए, क्या मेरे पिताश्री के कर्मों के आधार पर उनके भाग्य में काल दंड का योग बन गया था? हनुमान, तुम्हारे पिता महाराज केसरी के जीवन की श्वास से अभी शेष थी। उन्होंने तो जीवन भर सदैव सत्कर्म ही किए, अतः उनकी श्वासें कम करने का कोई आधार नहीं बनता। इसका अर्थ ये हुआ चित्रगुप्त जी कि मेरे पिताश्री के भाग्य में अकाल मृत्यु का कोई योग नहीं था। तो क्या आपके लेखा जोखा में कोई त्रुटि हो गई थी? पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? स्वामी, नहीं स्वामी, राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।